देखिए, आपको आज ना ये चैप्टर खत्म करा रही हूँ मैं, जितना भी है सारे की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आज, ठीक है। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5। अगर आपने पुराना टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देख लेना रिकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बगैर थोड़ा कम समझ आएगा। सरफेस केमिस्ट्री में एडसोर्प्शन खत्म हो चुका है, कोलोइड्स भी आज खत्म हो रहा है, कल मैंने मोस्टली सारा करा ही दिया था। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कोलोइड्स के बारे में, डिटेल नहीं सिर्फ शॉर्ट में, ताकि मेरा आज का टॉपिक आगे निकल जाए। कोलोइड्स किसे कहते हैं, जैसे कि आप ना नमक को पानी में डाल दो, नमक को जब आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो क्या होता है, वो घुल जाता है, बैठ जाता है या फैल जाता है पानी में, मिक्स हो जाता है। अच्छे से मिक्स डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व यानी पूरे में घुल जाता है अच्छे से, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। आप अब मिट्टी को पानी में डाल दो, मिट्टी तो मिट्टी क्या होती है, बैठ जाती है नीचे, सस्पेंड, किसी ने गेर दिया उसको नीचे कि तू जा, तो नीचे नीचे गिर गई मिट्टी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। जब एक चीज दूसरे में नीचे बैठ जाए सस्पेंशन कहते हैं, और एक चीज पूरे में फैल जाए, जैसे कि आलू को पानी में घोलते हैं तो जो उसका स्टार्च होता है पानी में घुलता नहीं है, वो ना बैठता है, वो फैल जाता है, सफेद सफेद धुंधिया रंग का हो जाता है पानी, तो हम उसे क्या कहते हैं, कोलोइड। तो कोलोइड क्या होता है, जब एक चीज दूसरे में क्या हो जाए, डिस्पर्स, ठीक है। ठीक है, डिस्पर्स, तो डिस्पर्स होना, या एक चीज दूसरे में फैल जाए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं। हेलो, इसमें देखिए कोलोइड सिस्टम हम किसे कहते हैं, जब एक चीज दूसरे में क्या हो जाए, फैल जाए, कोलोइड बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ रिंकू तुम्हारे लिए, जैसे कि आप जिस रूम में बैठी हो उस रूम में गैस है बहुत सारी, पर साथ में इतनी सारी डस्ट है, वो पूरे रूम में फैली हुई है, वो बैठ नहीं रही है, वो घुल नहीं रही है, वो पूरे रूम में क्या हो रखी है, डस्ट डिस्पर्स हो रखी है, डिस्पर्स, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्स, कोलोइड कहते हैं। इसी के साथ अगर हम, जा रहे तुम्हें कोलोइड क्या होता है, यस मैम। चलिए अब हमने ये तो पता चल गया कि कोलोइड क्या होता है, देख लो फिर से मैम एक। हाँ अगर आपने एक एग्जांपल दिया ना अभी मिल्क वाला, सॉरी वो पोटैटो वाला, तो हाँ वो उसको भी कोलोइड बोल सकते हैं। पोटैटो नहीं, उसके अंदर से जो स्टार्च निकलता है वो पानी में फैल जाता है, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च क्या होता है, पानी में क्या हो जाता है, बिखरता है वो, तो पानी धुंध वाइट वाइट सा हो जाता है पूरा पानी, हाँ तो वो कोलोइड है, ठीक है, कोलोइड है तो ये हमारा तो मिक्स ब्लड। हो गया ना, क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। मिक्स, देखो वो मिक्स तो है, मिक्सचर तो वो हो गया है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। मिक्स एक चीज दूसरे में घुल ही नहीं है ना, जैसे नमक ले लो और स्टार्च ले लो, तो नमक तो पानी में डिजोल्व हो जाता है, दिखता भी नहीं, पर स्टार्च छोटे छोटा वो पूरा व्हाइट व्हाइट धुंधिया रंग का पानी हो जाता है, तो वो एक चीज दूसरे में फैली है, उसे कोलोइड कहते हैं। जैसे कि ब्लड, खून भी कोलोइड है, कैसे, अगर आप एक बोतल में सारा खून ले लो तो उसमें दो चीज होंगी, एक तो प्लाज्मा यानी कि लिक्विड,
और उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पूरे में बिखरे रहते हैं ब्लड के अंदर, ऐसे लाल लाल से हेमोग्लोबिन। तो वो एक चीज दूसरे में क्या हो रखती है, घुली नहीं है वो, बिखरी हुई है। क्या है? बिखरी हुई है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, ब्लड कहीं बिगड़ जाता है, मान लो हमारा हाथ कट गया, ब्लड निकला, उसको सूखा छोड़ दो, तो तुम देखोगे कि वो पानी चीज तो उड़ गई, वो लिक्विड नहीं रहता, वो सूख जाता है ब्लड, और ना पपड़ी सी बन के गिरती है। एक तो क्लोटिंग होती है, दूसरा सफेद रंग, अगर हमारा ब्लड सूख के नीचे गिरे, मान लो सूख जाए और हम उसे खुरच दे, तो कुछ कुछ सॉलिड गिरता है, इसका मतलब सॉलिड चीज लिक्विड में क्या हो रखी है, डिस्पर्स। तो ब्लड भी क्या है, एक कोलोइड का उदाहरण है, ठीक है। उसके अलावा आप जो स्मोक देखते हो, स्मोक यानी कि धुआं, धुएं में क्या होता है, जब आप यहाँ पे खड़े हो, किसी ने यहाँ पे पी रखी है स्मोक, यहाँ पे पूरे में काला काला धुआं, क्या धुएं से निकल तो धुंध क्या होता है हवा में, अभी भी मान लो अभी तो गर्मियां आ गई, धुंध नहीं है, पर सर्दियों में धुंध होती है, क्यों? क्योंकि धुंध में क्या होता है, गैस होती है, बस गैस में छोटी छोटी पानी की बूंदे उड़ रही होती है, पानी की बूंदे यानी लिक्विड चीज गैस में फैली पड़ी है, तो ये भी एक चीज दूसरे में फैल रखती है, तो हम इन सभी चीजों को क्या कहते हैं, कोलोइड कहते हैं, ठीक। अब ना हमें ये पढ़ना है कि कोलोइड कैसे होते हैं, मतलब क्यों बने, तो ध्यान रखना इसके बनने का कारण। सबसे पहले आप ये बताओ, आपने पेंट देख रखा है ना सबने, दोनों ने पेंट, जो पेंट होता है हम दीवार पे करते हैं, नेल पेंट, कलर पेंट, जो हम ब्रश से पेंटिंग कलर करते हैं वो वाला पेंट, पेंट देखने में कैसा होता है, पेंट लिक्विड या गैस? देखने में लिक्विड होता है पेंट देखने में, पर लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। जब हम पेंट लगा देते हैं, लिक्विड उड़ जाता है, सॉलिड चीज रह जाती है, तो ये भी क्या है, कोलोइड है। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। अब ये जो सही बनती कैसे है, मतलब ऐसा क्यों है कि ये पार्टिकल ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं गिर रहे? विशाल आंसर देना, क्यों नहीं गिर रहे पार्टिकल, नीचे फैले क्यों हुए हैं इसके अंदर? पॉजिटिव मतलब सिमिलर चार्जेस की वजह से। सिमिलर चार्जेस की वजह से, असल में क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे कि ये छोटा सा पार्टिकल है, इनमें ना चार्ज, इनके चारों ओर चार्ज चिपका होता है, चिपके होना यानी एब्जॉर्ब। मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो सब पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जैसे ही एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं ना मिलने की, तो चार्ज होने की वजह से टकरा के दूर चले जाते हैं। तो या तो पॉजिटिव चार्ज होता है इनपे, या कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। या तो पूरे पे पॉजिटिव होगा या पूरे पे क्या होगा, नेगेटिव। जिस मान लो ये मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ब्लड, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, हर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चिपके होते हैं बहुत सारे, एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे चारों तरफ, ये देखो पॉजिटिव चार्ज। ठीक तरीके से हमारे पास कोई दूसरा सब्सटेंस है, उस पे ये मान लो पार्टिकल्स हैं, सब पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये बताओ है। तो इस तरह ये भी एक कोलोइड है, ये भी एक कोलोइड है, दोनों में क्या फर्क है, हम इसे पॉजिटिव कोलोइड कहेंगे और हम इसको नेगेटिव कोलोइड कहेंगे। तो कोलोइड बनते क्यों हैं, क्योंकि उनके ऊपर
आपने वो देख रखा है पेड़ों में से रबर निकलते हुए, यस और नो? यस मैम। नो मैम। एक मिनट, नहीं देखी तो देख लो। दिख रहा है? हेलो, दिख रहा? क्या क्या ये पेड़ों से रबर निकल रही है, डब्बा। ये देखो, ये पेड़ों से क्या निकल रहे हैं, ये रबर ले रहा है। ये सब पॉजिटिव कॉलोइड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी पेड़ों से गम, रबर निकलता है, जो स्टार्च होता है, चारकोल, मिट्टी। देखो, हमने पानी तो देखा होगा, मिट्टी वाला पानी। नदी किनारे तो कभी तो गए होगे लाइफ में, कभी तो गए होगे रिवर में। तो ये जैसे रिवर बह रही है, ये कौन है? रिवर है, रिवर। इसमें मिट्टी होती है, क्ले, यस और नो? इसमें तो वो मिट्टी पानी में बिखरी हुई होती है, तभी तो पानी धुंधला दिखता है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन दिखता है पानी। तो पानी बिल्कुल कलरलेस क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पानी में मिट्टी होती है, और वो बैठी नहीं होती, वो बिखर रही होती है उस पानी में, बहुत सारी मिट्टी। तो जो क्ले का पार्टिकल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा। क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? तो हमारा गम, स्टार्च, क्ले, इन सब पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और जो मेटल होते हैं, जैसे कि मान लो सोने को पानी में डिसॉल्व करना है, ये लो सोने को मैंने पानी में बिखेर दिया, तो इसके ऊपर किस चार्ज की लेयर होती है? नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की लेयर होती है, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, व्हाट इज पॉजिटिव कोलॉइड? जिन पे पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ हो, एड्सॉर्ब हो। नेगेटिव कोलॉइड किन्हें कहते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब हो। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक। अब ध्यान रखना, कोलॉइड समझ आ गया होगा कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। जब वन सब्सटेंस दूसरे पे बिखरा हो तो कोलॉइड कहते हैं। ओके, अब देखो, ये मेरे पास सॉल्वेंट है, इसमें ये कोई पार्टिकल बिखरे हुए हैं, पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं। तो हम इस लिक्विड को पता है क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। और इन पार्टिकल जो बिखरने के लिए आते हैं, उन्हें बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। इसे लर्न करो रिंकू। मीडियम किसे बोलते हैं, फेज किसे बोलते हैं? जिस चीज में पार्टिकल फैलते हैं उसे मीडियम कहते हैं, और जिसमें फैलने, देखो फैलने, जो जो फैलता है ना, उसे फेज कहते हैं, जो फैलने आता है, फेज। ओके मैम। अब मेरे को क्या करना है, ये पार्टिकल्स ना इसमें फैले पड़े हैं, मैं चाहती हूँ वो सारे इकट्ठे होके बैठ जाएं। जैसे कि अब दूध देख लो कैसा होता है, दूध, मिल्क में बहुत सारा क्या होता है? पानी। ये पानी है, मिल्क कैसे बनता है वो देखो। इस पानी में छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स फैले रहते हैं, फैट के, किस चीज के? ऑयल के, यानी कि फैट। तो इसे हम मिल्क कहते हैं। तो ये बताओ, मिल्क क्या होता है, कोलोइड होता है या सोल्यूशन होता है? मिल्क। बहुत सारे पानी में फैट फैला होता है, पूरे पानी में। तो हम मिल्क को क्या कहते हैं? कोलोइड कहते हैं। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, एक लिक्विड दूसरे में फैला हुआ है, उसे क्या कहते हैं? कोलोइड। ये घुला नहीं है, फैला हुआ है। अगर तुमने देखा हो कि हम दूध को जब गर्म करते हैं तो मलाई अलग हो जाती है, यस और नो? और दूध से हम मक्खन भी निकाल सकते हैं, दूध से। तो हमने क्या किया, जब मक्खन निकाला, पानी को
और मक्खन यानी चिकनाई को अलग कर दिया। क्या कर दिया दोनों को? अलग, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम से क्या कर दिया? अलग। इसे हम पीपीटी बनना कहते हैं, पीपीटी, यानी कि ये पार्टिकल फैले हुए हैं। मैंने क्या किया, इन सबको इकट्ठा करके नीचे गिरा दिया, इसे पीपीटी बनना कहेंगे, पीपीटी बन गए। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। इकट्ठा कर दिया मैंने सबको, पार्टिकल्स आए और इकट्ठे हो गए, यूं समझ लो कंचे फैले हुए थे, उनको इकट्ठा कर दिया कंचों को, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन, या इसका एक और नाम होता है फ्लोकुलेशन। नाम याद करो। ओके मैम। हो गया, कोलोइड के पार्टिकल को इकट्ठा करने को प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, किस वजह से था ये, फैले क्यों हुए थे, नीचे क्यों नहीं गिर रहे थे? क्योंकि उनके ऊपर क्या पड़ा हुआ था? चार्ज, इनके ऊपर चार्ज बिखरा था। अगर मैं चार्ज को रिमूव कर दूं, बताओ क्या होगा? अगर मैं चार्ज को हटा दूं तो वो सारे नीचे बैठ पार्टिकल जाएंगे। बैठेंगे, क्योंकि वह दूसरे से चिपक जाएंगे। पहले दो पार्टिकल पे चार्ज चिपका हुआ था, ये देखो सेम चार्ज होता है सेम, तो जब ये पास आ रहे थे टकरा रहे थे, अगर मैं इनका चार्ज हटा दूं तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, चिपक गए, और भारी होने की वजह से नीचे गिर जाएंगे। तो हमें, अगर मैंने कहा कि मुझे कोलोइड को हटा मतलब खत्म कर देना है, मतलब जो बिखरी हुई चीज थी उसे इकट्ठा करना है, तो हम इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन। और ये कैसे किया जाता है? चार्ज हटा के, क्या करके? चार्ज को हटा दे, अगर तो ऐसा हो सकता है। कोई प्रॉब्लम? नो अच्छा, आज हम चिमनी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, देखना एक बार ध्यान से। क्या लिखा मैंने? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। अब हमें कैसे पता चला था कि इन पे चार्ज होता है, ये बात किसने बताई थी, उसे सुन लो बस। आप दोनों क्या बोल रही हूँ, हमें कैसे पता चला था कि चार्ज होता है? तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर अपना कोलोइड डाल रखा है, और कोलोइड में क्या होता है, लिक्विड के अंदर दूसरी चीज, किसी भी चीज में दूसरी चीज ऐसे फैली पड़ी रहती है, हमें नहीं पता इस पे चार्ज है या नहीं। पर मैंने क्या किया, इसमें हमने एक वो डाल दिया, सेल, सेल लगा दिया, नेगेटिव, उससे एक तार बांध दिया, एक तार इससे बांध दिया, ये बताओ कौन सी तार पे प्लस आया हुआ है? मैंने तार के कलर बदल दिए, एक ये रेड वायर थी, इधर से ग्रीन, बताओ किस पे प्लस चार्ज है, कौन सी वायर पे प्लस चार्ज है? रेड वाली रेड वाली, जिस पे प्लस होता है उसे एनोड कहते हैं, और जहां माइनस होता है उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। अब ना ये बताओ, कोई एक 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 बात बता दो, कोलोइड पे तुम पॉजिटिव लेना चाहते हो चार्ज या नेगेटिव? ये जो मिक्सचर है, इस पे पॉजिटिव रखनी या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव रख लेते हैं, यूं समझ लो इसके ऊपर इन सारे पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर चिपकी हुई है। आज ना ये सीखेंगे चार्ज कैसे आया, ठीक है? 2 मिनट के बाद आपने मान नहीं लो पढ़ाया था पॉजिटिव, कभी? कल नहीं पढ़ाया था ये, कल तो हटाना सिखाया था, आज देखते हैं आता कैसे है। पहले ये बताओ कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? माइनस की तरफ बस माइनस की। इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, इस दिशा में भागना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में सारे, और वहां जाके इकट्ठे हो जाएंगे इस तरफ, इस रोड के पास, क्योंकि इन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये यहाँ इकट्ठे हो गए, देखो इस। अब ये बताओ कि ये क्यों भाग रहे थे, किस वजह से? ये पहले तो हर जगह फैले हुए थे,
अब क्यों एक तरफ भाग रहे हैं सारे, एक तरफ भाग रहे हैं? इनने चांस दे दिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, क्या दे दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोलोइड ऐसे होते हैं, पूरे में बिखर रहे होते हैं, और इनका मोशन कैसा होता है रिंकू? जिगजैग, ये है ना, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी इधर। इनका मोशन कोई पूछे तो कैसा होता है? रैंडमली। आपने अपने घर में तो देखा होगा टिंडल इफेक्ट होते हुए, कभी देखा है? हाँ जी मैम। एक बार मैं वैसे तो बता ही देती हूँ, पर देखना हो तो दिखा भी दूंगी। कुछ नहीं है, कमरे में बैठे हो, काले कमरे में, बिल्कुल अंधेरे में, वहां से हल्की सी हो तो क्या होता है, पार्टिक डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है। गर्मियों में खासकर जाल होता है जो घर में, उसे डस्ट उड़ती हुई दिखती है। आवाज आ रही? उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल ने बताया था, टिंडल इफेक्ट। तो ये अब जब तुम इसको देखते हो तो तुम क्या पाते हो, पार्टिकल इधर उधर नाच रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है कि सीधी लाइन में जा रहे हैं, कैसे मोशन में होते हैं, इस रैंडम मोशन को हम जिगजैग मोशन कहते हैं। किसने दिया था ये, इसके बारे में किसने बताया था? टिंडल। ब्राउन, इसे ब्राउनियन मोमेंट कहते हैं, आपने सुना होगा ये 10th 9th क्लास में, ब्राउनियन मोमेंट सुना है कभी? न्यूक्लियस भी डिस्कवर करा था। न्यूक्लियस ये नहीं पता, ये रॉबर्ट ब्राउन सेम वही था या सेम वही होगा, हाँ, क्योंकि ये न्यूक्लियस मतलब सेल के बारे में भी इसी ने बताया था, यही होगा। ध्यान रखना, जिगजैग मूवमेंट के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने और न्यूक्लियस के बारे में। तो ये हो गया हमारा ब्राउनियन मोमेंट। ये बताओ कि कोलोइडल पार्टिकल्स, कोई भी सिस्टम है, पार्टिकल ना ऐसे फैल रहे हैं, घूम रहे इधर उधर इधर उधर, यूनि डायरेक्शनल होते हैं या रेंडम होते हैं? यूनि या रेंडम? रेंडम। क्या करूं इससे, इसको यूनि डायरेक्शन हो जाए, यूनि एक डायरेक्शन में चलने लग जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। रिंकू आवाज आ रही? हम टॉपिक इम्पोर्टेंट कर रहे हैं आज, सिर्फ ओनली इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलोइडल पार्टिकल का एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन मूवमेंट, एक डायरेक्शन में मूव होने को क्या बोलते हैं, नाम बताओ? इलेक्ट्रोफोरेस। याद करो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ की उपस्थिति में पार्टिकल का एक डायरेक्शन में चलना लगना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब ये बताओ इन पे ये कैटायंस है या एनायंस थे? इन पे पॉजिटिव चार्ज था, कैटायन थे या एनायन थे? कैटायन, कैटायन सी। तो सी गोज टू सी, कैटायन कैटायन पे जाता है, एनायन एनायन पे जाता है। तो देखो, जो कैटायन थे प्लस वाले, वो माइनस रोड की तरफ गए, कैथोड माइनस होती है, प्लस माइनस की तरफ जाता है ना, तो कैटायंस कैथोड की तरफ जाते हैं, एनायंस एनोड की तरफ जाते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। मैंने आपको बोला मेरे पास नेगेटिव सोल है, सोल मतलब कोलोइड। कोई नेगेटिव कोलोइड का क्या मतलब है? कि भाई हर पार्टिकल पे माइनस चार्ज चिपका हुआ है चारों तरफ ऐसे, ये लो नेगेटिव। अब बताओ ये कौन सी रोड पे जाएंगे, एनोड या कैथोड? एनायन कहाँ जाएंगे? ए गोज टू ए, एनोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ए व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीस मतलब वो चार्जेस मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैसे मैं इसको और भी अच्छी तरह बोल सकता हूं पर अभी चलो। तो आप यहां पर, आप यहां देख सकते हो ये लाइन, ये डेफिनेशन करके जाना, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, ये लिखा द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये बताओ हमें, अगर पेपर में आ जाए किस एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि इनके ऊपर चार्ज होते हैं, आंसर किस एक्सपेरिमेंट से पता चला था इनपे चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैम इसमें तो यूनिडायरेक्शन लिख नहीं रखा।
तो ये आप देख सकते हो, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा यूनिडायरेक्शन होता है और यही इम्पोर्टेंट है। तो देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। ये पेपर में आ चुका है क्योंकि आज मैं आपको वो कराऊंगी ये चिमनी के बारे में, इसीलिए मैं आज की क्लास मैंने जल्दी ली है ताकि मैं अच्छे से करा सकूं। तो यहाँ पे देखो ये चिमनी है, ये पढ़ना आज। ये आपके बायो में भी है, जो मैं परसों तुमसे ही पूछ रही थी ना वो कोरोना डिस्चार्ज, ये उसी का टॉपिक है। ये हर हर आजकल इंडस्ट्री में लगी हुई है चिमनी में, हमारे घर पे भी चिमनी थी रिसेंटली खराब हो गई, तो ये चिमनी पढ़नी है आज हमें। बहुत आसान है, एक मिनट का टॉपिक है, उसके लिए पहले ये पढ़ना पड़ेगा। चलो एक आंसर दो एक क्वेश्चन का। What, किस चीज से पता चला था कि इन पे चार्ज होता है? पढ़ो, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, नोट कर लो, नोट फोटो ले लो इसकी। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं रोड पे, कोलाइडल पार्टिकल के अंदर डाल दो, तो वो देखो ये आ गया, एक रोड पे भागने लगते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक रोड पे भागते हैं। पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? अरे नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन किस तरफ जाएंगे? जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और बुक में एक गलती है, उसको ठीक कर लो। तुम्हारी बुक में पता नहीं है कि नहीं, पर इस पीडीएफ में गलती है, उल्टा लिखा है, यहाँ प्लस आएगा। आवाज आ रही है? इसको थोड़ा सा ठीक करना, ये गलत है, ये चार्ज गलत है। एनोड पे पॉजिटिव होता है जब बिजली हम देते हैं, और कैथोड पे नेगेटिव होता है जब इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं। जब हमें मिलती है तो उल्टा होता है, पर जब दे रहे होते हैं तो ये होता है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ठीक। और इस बुक में ना ये गलती ना, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने नेगेटिव मान रखा है, नेगेटिव वाले लिए हैं तो वो नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, पॉजिटिव। गलत ये है, मैं एनोड लिख देती हूँ, इसको मैं एनोड लिख देती हूँ, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव ले रखा है। देख रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इन्होंने कोलोइड ही नेगेटिव ले रखे हैं विशाल, कोलोइड नेगेटिव, हम पॉजिटिव लेके चल रहे, तो मैं इसको नाम बदल देती हूँ, तब भी ठीक हो जाएगा ये मामला। चलो अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड पे जाते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले एनोड पे जाते हैं, अब बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो देखो नेगेटिव चार्ज वाले कहाँ जा रहे हैं, एनोड। अगर पेपर में ये डायग्राम आ जाए और आपसे इस डायग्राम का नाम पूछ लें इस एक्सपेरिमेंट का, तो क्या लिख के आओगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या है इसमें? ये मीडियम है, इसमें कोलोइड फैला हुआ है, नेगेटिव दिखा रखा है या पॉजिटिव कोलोइड को? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव यानी एनायन, एनोड पे जाता है। बस इस एक तरफ जाने को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं भी घूम रहे थे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक दिशा में घूमने लग गए, इसे इलेक्ट्रो। बस आई थिंक काफी होगा इतना तो तुम्हारे लिए, इस बस यही दोहराते रहो बार बार, इलेक्ट्रोफोरेसिस। आगे बढ़ जाऊं? अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपके सामने, चल जाना क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, क्या होगा? थर्ड पॉइंट का आंसर देना आपको, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 15वें का 3। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन, किसी कोलोइडल सोल में से बिजली पास करेंगे तो क्या होगा, बताओ आंसर। इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, यहाँ यही पूछा था, जब हम कोलोइडल सॉल्यूशन में बिजली पास करेंगे तो क्या होगा? तो कोलोइडल पार्टिकल मूव करने लग जाएंगे रोड की तरफ, पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, कैथोड या एनोड? पॉजिटिव, कैथोड। कैथोड, अगर भूल जाओ तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव मतलब कैटायन, कैटायन सी सी पे जाता है, बस
अब हमारा ये क्वेश्चन तो तुम्हें आ गया होगा। अगला सवाल, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास, अगर किसी कोलोइड है, जैसे कमरे में कोलोइड होता है, मतलब वेरी गुड इफेक्ट, ये पूछ रहे हैं अगर हम बीम ऑफ लाइट एक पतली सी रोशनी मारे किसी कोलोइड पे तो क्या होगा, वो फैल जाएंगे पार्टिकल्स, दिखने लग जाएंगे वो पार्टिकल लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं और दिखने लग जाते हैं, तो हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। तो ये वन वर्ड के आंसर आते हैं, ये वाला कर लेना और एक ये वाला कर लेना। आगे बढ़ जाऊं, ये उस क्वेश्चन में भी तो मस्ट डू वाले में, सॉरी मस्ट डू क्या, अच्छा हाँ राइट क्वेश्चन सुनो हमने, ये हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको ये बताओ इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया तो आप आगे बढ़ सकती हो? यस मैम। चलो अब ना ध्यान से सुनना, चल क्यों नहीं रहा है ये मेरा पीडीएफ, भूल जाना, खत्म हमारा ये तो टॉपिक खत्म। अब हम बढ़ रहे हैं विशाल लास्ट टॉपिक पे, बहुत मजेदार है, सुनते जाना मजा आ जाएगा। देखो रिंकू ध्यान से सुन लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट है। यस मैम। पढ़ो ये लाइन। आप पढ़ो। कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखो पार्टिकल्स का इकट्ठा होके बैठ जाने को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसके हमने कल विशाल थोड़ा सा पढ़ लिया था, आज रिंकू के साथ एक बार रिवाइज कर लेंगे। एक बार पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सोल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। रिंकू तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम पहले वीडियो देखना ठीक है, ये बस यहाँ से पढ़ो, अब यहाँ से यहाँ तक फटाफट पढ़ो, ये कल नहीं पढ़ाया था इसको, ये पीले वाला पढ़ना, पीले वाला। इफ समहाउ, अगर किसी तरीके से चार्ज को रिमूव कर दें, पार्टिकल विल कम नियर, पार्टिकल पास आ जाएंगे टू फॉर्म एग्रीगेट या कोएगुलेट, मतलब इकट्ठे हो जाएंगे एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ आ गई इसकी हिंदी? यस मैम। यही बोला है बस इन्होंने कि भाई ये मेरे पास कोलोइड है, इन सब पे सेम चार्ज चिपका रहता है, मान लो सब पे प्लस 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 प्लस, किसी तरीके से चार्ज, ये पार्टिकल पास आ जाएंगे और मोटे हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, बस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब पढ़ो इसकी डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है, ये डेफिनेशन है काली वाली, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। पार्टिकल्स का पास आके चिपक जाना, नीचे बैठ जाना, इस चीज को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन या फिर प्रेसिपिटेशन। चलूं अब आगे, रिंकू तुम बस एक छोटी सी बात समझ लो, क्योंकि ना मैं करा नहीं पा रही हूँ उसके बगैर, एक छोटा सा वर्ड समझ लो। देखो ये लायोफोबिक क्या होता है, हाँ वही बता रही थी कि एक बार तुम्हें ये बता देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना रिंकू, बहुत ध्यान से, मेरे पास ना आलू का पानी है, आई मीन आलू का मतलब एक टुकड़ा है, उसको तुम पानी में ऐसे मसलती हो जब धोने के लिए, तो क्या होता है, पानी कैसा हो जाता है, गंदा, वाइट हो जाता है, गंदे के बच्चे वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो वो स्टार्च होता है जो पानी में आ जाता है ठीक है, तो स्टार्च एकदम से पानी में फैल जाता है बहुत आसानी से, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी ठीक है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो पार्टिकल जब रिंकू अच्छे से इस पानी में अपने आप फैल जाए बिना किसी मदद के, तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला, ये इस पार्टिकल इस लिक्विड से प्यार करता है, तो लिक्विड को लव करने वाला, फिलिक, फिलिक मतलब लवर, लायो मतलब लिक्विड, लिक्विड लवर, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो फैलने आया है वो उस लिक्विड के साथ अच्छे संबंध रखता हो तो वो उसमें टिकेगा, नीचे नहीं गिरेगा। अब ये नीचे वाला बताना, ये एक ऐसा पार्टिकल है रिंकू, ये इस पानी में ठहर नहीं सकता, ऊपर बार बार नीचे गिर रहा है, मैं फिर ऊपर ला रही हूँ फिर नीचे गिर रहा है, तो क्या ये कोलाइड बनेगा मेरे पास, ये कोलाइड बन सकता है? नो नहीं। तो जब पार्टिकल उस लिक्विड से हेट करते हो, लिक्विड को क्या करते हो, लिक्विड हेटर, लायो मतलब होता है लिक्विड, तो इसे बोलेंगे लायोफोबिक,
जो इस लिक्विड से डरता है, समझ रही हो, जो लिक्विड से डरता है। तो अगर कोई पार्टिकल लिक्विड से डरता है तो वो रहना नहीं चाहेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको इस लिक्विड में बनाए रखने के लिए। तो यानी इसमें बाहर से कोई केमिकल डालते हैं तब जाके ये इसमें रुकता है, समझ आ गया रिंकू? लायोफिलिक्स कोलोइड क्या होते हैं, लायोफोबिक कौन से होते हैं? यस मैम।